नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला है T20 मसांजी T20 लीग का, उसके बारे में। केप टाउन ब्लिट्स वर्सेस तस्मानिया स्पार्टन्स के बीच में क्या कुछ हमारी ड्रीम 11 टीम होने वाली है, क्या कुछ हमारी प्लिंग 11 टीम होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए बात करते हैं यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों, दो आपके पास दो ऑप्शन है, क्वांटन डी कॉक और कुलेक्टिव। दोस्तों दोनों ही ओपन करते हुए नजर आएंगे, दोनों ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों कुलेक्टिव जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मसांजी T20 लीग के, आप इन्हें भी पिक कर सकते हो, क्वांटन डी कॉक के भी पिक कर सकते हो। क्वांटन डी कॉक जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, दोस्तों आप दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हो यहाँ से, या तो कि क्वांटन डी कॉक को या कुलेक्टिव को। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से क्वांटन डी कॉक को पिक करूँगा, क्योंकि काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं दोस्तों और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं दोस्तों, और शानदार फॉर्म में भी चल रहा है, इसलिए मैं इन्हें पिक करूँगा। यदि आप चाहो तो कुलेक्टो के पिक कर सकते हो। दोस्तों दोनों ही आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और दोनों ही शानदार फॉर्म में अभी चल भी रहे मसांजी T20 लीग में, तो आप दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाज डिपार्टमेंट बात करें दोस्तों, ABD बेलर्स ऑल टाइम बेस्ट बल्लेबाज हैं, आप इन्हें पिक कर सकते हो। हालांकि बल्लेबाजी भी थोड़ी नीचे करने आ रहे हैं, 4 नंबर पर करने आ रहे हैं और अपने आप को डिमोट कर रहे हैं, कभी कभी 5 नंबर पर भी आ जाते हैं दोस्तों, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि ये 10 से 15 या 20 गेंद खेल गए तो भी आपके लिए 40-45 रन का स्कोर करके दे देते हैं दोस्तों, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन्हें यहाँ से ले सकते हो। बात करें दोस्तों इयान मॉर्गन आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे नहीं, T10 लीग खेल रहे हैं, और डेविड मिलान भी आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे नहीं, तो आप इन दोनों को टीम से रखिएगा बाहर। बात करें दोस्तों फेरन बदरीन की, जो कि अपनी टीम के कैप्टन है दोस्तों, और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए आपके लिए नजर आ जाएंगे, आप इन्हें पिक कर सकते हो। यदि आप इन्हें पिक नहीं करना चाहते, इनकी जगह आसिफ अली को भी पिक कर सकते हो। दोस्तों आसिफ अली भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, एक मैच में इन्होंने शानदार 80+ का स्कोर करके दिया था, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ से फेरन बदरीन को पिक किया है, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं और टीम के कैप्टन हैं और कभी भी अपने आप को ऊपर भी प्रमोट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं यहाँ से डीन एलगर दोस्तों, पिछले कुछ मैचों से इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लास्ट मैच में टीम ने इनसे ओपनिंग कराई और दोस्तों इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिया और दोस्तों आपके लिए 80+ का स्कोर करके दिया और दोस्तों एक तरफा मैच अपनी टीम को जिताया दोस्तों, और एक ओवर भी फेंका था दोस्तों लास्ट मैच में उन्होंने दोस्तों, और उसमें एक ओवर में 5 रन भी दिए थे दोस्तों। चलिए बात करते हैं यहाँ से रावली रासो को आप पिक कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप चाहो तो इन्हें पिक कर सकते हो। बात करें हसन तलत आप इन्हें भी पिक कर सकते हो, ये भी थोड़े नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगभग 6 या 5 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉलिंग कुछ करते हुए नजर आ नहीं रहा, इसलिए मैंने इन्हें पिक नहीं किया। बात करें दोस्तों जानेमन मिलान को आप पिक कर सकते हो, आपके लिए आप ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और शानदार फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों, इस शुरू में बिल्कुल धीमी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, फिर एकदम से इनकी रेस पकड़ दी है दोस्तों, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। बात करें दोस्तों थेनस डी ब्रियोन की, आप इन्हें पिक कर सकते हो, ये दोस्तों कुछ मैचों में इन्होंने ओपन की, अभी 3 या 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। हालांकि लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए, लेकिन उससे पहले इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दी थी अपनी टीम के लिए, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ से सीन विलियम्स को आप पिक कर सकते हो दोस्तों, आपके लिए अपने कोटे के 4 ओवर स्पिन बॉलर हैं और आपके लिए 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हें पे चाहो तो पिक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ से पिक नहीं किया। बात करें सिकंदर राजा शायद आपके खिलिए खेलते हुए नजर ना आए। बात करें एंडोल फिलिस्कवायो की बात करें, कभी कभी इनको टीम फर्स्ट डाउन भेज देती है और कभी कभी 3 या 4 नंबर पर भेज देती है, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो और शानदार बॉलिंग भी कर रहे हैं, बॉलर तो शानदार हैं, अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंक रहे हैं, बल्लेबाजी में भी कुछ थोड़ा बहुत बल्ला चला के जा ही रहे हैं, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। फ्लिस्क बायो को भी आप पिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से और ऑप्शन की, जॉर्ज लिंडे को पिक कर सकते हो, जॉर्ज लिंडे आपके लिए 3 ओवर फेंक रहे हैं कम से कम और बल्लेबाजी करने के लिए हालांकि 6 या 7 नंबर पर आ रहे हैं, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। मोहम्मद नवाज आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे नहीं, जीवन मेंडिस जब से टूर्नामेंट में चालू हुआ है प्रत्येक मैच में 2 या 3 विकेट निकाल के दे रहे हैं, एक मैच में तो उन्होंने 4 विकेट निकाली थी, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो, लगातार विकेट निकाल रहे हैं दोस्तों, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। बात करें दोस्तों फ्रैंकलिन आपके लिए साथ खेलते हुए नजर ना समय, तो दोस्तों सिर्फ 1-2 मैच ही खेले टूर्नामेंट के और उसके बाद कोई मैच खेले नहीं है, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, फिर डेल स्टेन यदि इनका पहला मैच निकाल दिया जाए उसके बाद एक दो या तीन विकेट हर एक मैच में निकाल रहे हैं, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से
सैमुअल बद्री आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे नहीं, डैन पेडियट आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, आप चाहो तो इन्हें पिक कर सकते हो। फिस्कू एडम्स जो कि लास्ट मैच में हालांकि इन्हें विकेट कोई नहीं मिला था लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए इन्हें प्रमोट कर दिया गया था 5 नंबर पर, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। और बात करें दोस्तों रोरी केलवेंट शायद आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी हेल्थ है इनकी और उस हिसाब से परफॉर्मेंस दे नहीं, हेल्थ भी काफ़ी है तो इतने फिट लगते नहीं T20 के हिसाब से, तो आप इन्हें मिस कर दीजिएगा। बात करें एंड्रू बिंज की आपके लिए साथ से खेलते हुए नजर आ जाएं और आप इन्हें पिक कर सकते हो, आप ग्रैंड लीग की टीम में इन्हें आप ट्राई कर लीजिए। बात करें दोस्तों एंड्रेथ नोटर्जी की, नेटर्जी यहाँ से रूल्ड आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से, तो आप इनसे दूर रहिएगा क्योंकि दोस्तों इनकी इंजरी थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई और ये टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो गए। देखते कितने परसेंट लोगों ने इन्हें यहाँ से पिक किया है, इन्हें 35 लोगों ने अभी भी पिक कर रखा है। प्लीज़ दोस्तों आप सबको बता दें, मेरी वीडियो शेयर कर दें कि ये रूल्ड आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से, तो आप इन्हें अपनी टीम से भी रिमूव कर दें। चलिए बात करते हैं यहाँ से और ऑप्शंस की। और ऑप्शन दोस्तों लीथो सिंपल आए हैं जो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से, आप इन्हें पिक कर सकते हो। यदि आप इन्हें पिक नहीं करना चाहते, इनकी जगह किसी और को पिक करना चाहते, कैरवन बोस्ट को भी पिक कर सकते हो जो कि लास्ट मैच में इनसे फर्स्ट डाउन कराया गया था और अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंके थे। दोस्तों टॉप मोस्ट बॉलर हैं, आप इन्हें पिक कर सकते हो क्योंकि लुंगी एंगड़ी हैं वो रूल्ड आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से, तो उनकी जगह इन्होंने ली है, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ से सिंपला को पिक किया है, यदि आप इन्हें पिक करना चाहते हो तो यहाँ से डिब्रेन को मिस कीजिएगा और आप बोस को पिक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने डिब्रेन को भी पिक किया है, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से टीम में चेंजेस कर सकते हो। मैंने बोला कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि कौन सा प्लेयर रिसेंटली कौन सी फॉर्म में चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, उस हिसाब से दोस्तों टीम आपके लिए बनाना है, आप किसको ज़्यादा बेटर समझते हो टीम में। चलिए बात करते हैं यहाँ से कप्तान उप कप्तान, कप्तान उप कप्तान के बारे में बात करें दोस्तों आपके लिए 3 से 4 ऑप्शन है दोस्तों। क्वांटन डिकॉक, जर्मन मिलान है दोस्तों, ए वी डिविलियर्स हैं, डीन एल्गर हैं यदि लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखा जाए तो, और एंडल फ्लिस्कवाय हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, सेफ ऑप्शन है, आप इनमें से किसी को भी कप्तान या उप कप्तान बना सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से टीम के फाइनल प्रीव्यू, टीम के फाइनल प्रीव्यू की बात करें दोस्तों क्वांटन डिकॉक हैं, डी बुरियन हैं, फेरन बादरीन हैं, डीन एल्गर हैं, ए वी डिविलियर्स हैं, जर्मन मिलान है। बात करें दोस्तों ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, आपके पास जीवन मेंडेस है, जीवन मेंडेस एज अ बॉलर ही ट्रीट कीजिए ऑलराउंडर, क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए 8 या 9 नंबर पर, और कोई भी यदि ऑलराउंड 8 या 9 नंबर पर बल्लेबाजी करे तो आप उसे एज अ बॉलर ही पिक कीजिएगा। बात करें दोस्तों यहाँ से एंडल फ्लिस्कवायो हैं, फिस्कू एडम्स हैं, सिंपल हैं और डेल स्टेन हैं, आप इनको पिक करके अपनी शानदार टीम बना सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ से 1, 2, 3 बल्लेबाज एक टीम के, 3 बल्लेबाज एक टीम के दोस्तों, और 3 बॉलर और 2 बॉलर एक टीम के हो गए हैं दोस्तों, बिल्कुल टीम अपनी मेंटल है, मेंटेनेंस है दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऑल द बेस्ट सभी को मैच के लिए।